हेलो एवरीवन, हमारे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। लजीज खाने का हर कोई दीवाना होता है, ऐसे में कुछ फूड आइटम सस्ते तो कुछ महंगे होते हैं। बावजूद इसके हम पैसे की परवाह किए बिना इनका स्वाद जरूर चखते हैं। वैसे तो बाजार में हर रोज नई नई डिशेज को लेकर प्रयोग होते रहते हैं, लेकिन कुछ खास चीजों से तैयार की गई डिश की कीमत लाखों रुपए में पहुंच जाती है। वर्ल्ड की ऐसे ही कुछ डिशेज है जिनकी कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे फूड आइटम्स के बारे में। इटालियन वाइट अल्बा ट्रूफल। 1.51 kg अल्बा ट्रूफल की कीमत 1,60,000 डॉलर यानी करीब 1,18,00,000 रुपए है। इसकी कीमत इतनी अधिक होने की वजह यह है कि इसमें मौजूद सामग्रियों की पैदावार मुश्किल होती है। अल्मास केवियार। सबसे महंगा केवियार अल्मास नामक विशिष्ट किस्म है, जिसका रूसी में अर्थ है हीरा, और इसकी कीमत लगभग कीमती रत्न जितनी अधिक है। लंदन में एकमात्र केविया हाउस एंड प्रूनियर में इस आइटम की बिक्री होती है। यह जिस टीन में बिकता है वह 24 कैरेट गोल्ड का है और 1 केजी अल्मास केविया की कीमत करीब 1,800,000 रुपए है। मत्सुटेक मशरूम। मत्सुटेक मशरूम को ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसकी कीमत अब 1 किलोग्राम के लिए 600 डॉलर तक पहुंच गई है। मत्सुटेक मशरूम जापान के मूल निवासी है, लेकिन वे कई अलग अलग एशियाई देशों में भी उगते हैं। हालांकि कीड़ों और आक्रामक पेड़ों के छायांकित क्षेत्रों में अपना रास्ता खोजने के कारण उनकी संख्या में काफी कमी आई है जिसमें मशरूम उगते हैं। चूँकि मत्सुटेक मशरूम की खेती करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे भविष्य में पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। पॉपी लुवाक कॉफी। यह कॉफी इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिणी भारत में औद्योगिक मात्रा में उत्पादित की जाती है। पॉपी लुवाक दुनिया में सबसे महंगी कॉफी है। पॉपी लुवाक कॉफी इंडोनेशिया, फिलीपींस और दक्षिण देशों में जानवरों के मल से निकाली जाती है। पहले जानवरों को कॉफी के बीजों को खिलाया जाता है, फिर इनके मल से निकाले जाने के बाद इनका उत्पादन औद्योगिक मात्रा में किया जाता है और वे फिर एक कठोर शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरते हैं। भारत में यह कॉफी 8,000 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है, जबकि खाड़ी देशों और यूरोपीय देशों में इसकी कीमत 20,000 से 25,000 रुपए प्रति किलो है। केसर। मसालों की रानी केसर न केवल सबसे महंगे खाद्य पदार्थों में से एक है, बल्कि दुनिया के कुछ हिस्सों में सबसे प्रसिद्ध मसालों में से भी एक है। केसर की उत्पत्ति सबसे अधिक ईरान में हुई थी और यह अपने विशिष्ट सुगंध के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। यह मसाला अत्यंत महंगा होने का कारण यह है कि केसर पतझड़ के दौरान प्रति वर्ष 7 दिनों से भी कम समय में उगते हैं। इसे हाथ से इकट्ठा और संसाधित करना होता है। इसके ऊपर केसर की सिर्फ 1 मीट्रिक इकाई एकत्र करने के लिए 3,00,000 फूलों को छांटना आवश्यक है। यह वास्तव में एक अनमोल सुंदरता है। यूपरी खरबूजा। यूपरी खरबूजा दुनिया का सबसे महंगा फल है और यह जापान में उगाया जाता है। यह खरबूजा वही मिलता है क्योंकि जापान इसे बाहर एक्सपोर्ट कम ही करता है। इन खरबूजों को सूरज की रोशनी से दूर ग्रीन हाउस में पैदा किया जाता है। यह खरबूजा दिखने में तो आम खरबूजे जैसा ही होता है, पर खाने में एकदम लजीज और बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। इस तरबूज को खरीदने के लिए 16,33,000 की मोटी रुपए कीमत देनी पड़ती है। इस फल में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो शारीरिक विकास में मदद करते हैं। फुगु और ग्लोन फिश। यह खाने में बड़ी ही स्वादिष्ट होती है, लेकिन आप में से कुछ ही लोग जानते होंगे कि ये बड़ी ही जहरीली होती है। इस जहरीली फिश को खाने से व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस फिश को खास तौर पर बड़ी एहतियात बरतकर पकाया जाता है। इसे पकाने में जरा सी भी चूक हो जाए तो व्यक्ति को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ सकता है। इसकी कीमत लगभग 200 डॉलर प्रति मछली है। मूस पनीर।
दुनिया की सबसे महंगी चीजों में से एक है मूस चीज, जिसका उत्पादन केवल एक ही स्थान पर होता है और वो है स्वीडन के मूस हाउस फार्म पर। जी हाँ, इसके उत्पादन के लिए मूस दूध की आवश्यकता होती है। इसके लिए हर रोज 5 लीटर दूध के साथ इस पनीर का उत्पादन होता है। इसकी कीमत $1,024 है। टॉप चॉकलेट। चॉकलेट किसे पसंद नहीं है, हमें अपनी सूची में कम से कम एक चॉकलेट आइटम तो मिलेंगे ही। आइए अब टॉप चॉकलेट की बात करते हैं। यह 73% के शुद्ध कोकोआ के साथ आता है और शेष शराब से बना होता है। फिर चॉकलेट फार्मूला को टकीला या इसलिए विस्की में किण्वित किया जाता है। 50 ग्राम के एक छोटे बार की कीमत $260 होगी। आयम सेमानी ब्लैक चिकन। यह विशेष चिकन केवल द्वीप देशों इंडोनेशिया में मौजूद है और बीमारी के डर से किसी अन्य देश में इसका व्यापार नहीं किया जाता है। इस नस्ल को खोजना इतना कठिन है कि एक पक्षी की कीमत आपको अपने देश में $200 और विदेशों में ₹1,000 से भी अधिक होगी। अयम सेमानी चिकन धीरे धीरे मलेशिया में भी पैदा होने लगा है। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।